तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब कितना समय बाकी रह गया, 4 दिन 14 घंटे 56 मिनट का दोस्तों समय अब बाकी रह गया है सिस्टम के अंदर, जो कि सिस्टम एक बहुत ही बड़ा धमाका करने जा रहा है, दूसरा चरण लॉन्च करने जा रहा है। 4 दिन शेष रह गए हैं। और एक और दोस्तों अपडेट आई है, वो आप अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ये दोनों अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आप मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि जो अपडेट बताने वाला हूं दोस्तों वो अपडेट है ऑटो पुल की। ऑटो पुल की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों मेरे पास एक लीडर के द्वारा, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ऑल कर लें, ताकि आप पहलवान की कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पीवीसी मीना टोकन की, जो कि दूसरा चरण लॉन्च करने वाला है पर्लवाइन 1 सितंबर को। लगभग 1 सितंबर को पूरी तरह से सिस्टम दूसरा चरण लॉन्च कर देगा, जिसमें कि आपको डीपी से पीवीसी मीना टोकन बाय करने को मिलेगा। तो दोस्तों आपके पास यदि डीपी नहीं है तो आप अपने लीडर से डीपी बाय कर लें, और जिसको भी डीपी बाय करने मुझसे भी कर सकता है, ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो मुझसे भी डीपी आप बाय कर सकते हैं। बाकी अपने लीडर से अपने पहचान वाले से डीपी बाय करें, क्योंकि डीपी के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो इसलिए आप अपने पहचान वाले से डीपी को बाय या सेल करें। और दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पर्लवाइन की जो ऑटोपल की अपडेट, जो बेस्ट अपडेट है दोस्तों, वो आपको मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि सिस्टम के 4 दिन यहाँ पर नोटिफिकेशन लगवा है पीवीसी मेटा का दूसरा चरण लॉन्च होने में, लेकिन उससे पहले दोस्तों कहा जा रहा है लीडर द्वारा कि ऑटोपल्स एक बार बहुत ही बड़ा धमाका करने वाला है। लगभग 2 से 3 दिन जो बचे हैं इस महीने के, उन 2 से 3 दिनों के अंदर दोस्तों हो सकता है 24 घंटे के अंदर या वो 2 से 3 दिन के अंदर ऑटोपल क्रेडिट हो सकते हैं। अन्य तो दोस्तों अगर इस मंथ में ऑटोपुल क्रिएट नहीं हुए तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ 10 सितंबर तक ऑटोपुल बड़े बड़े क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दूसरा चरण लॉन्च होगा और लोग बाग डीपी से बाय करने के लिए रेडी होंगे, तो सिस्टम एक ऑटोपुल बढ़ा देगा, जिससे कि हर एक मेंबर के पास डीपी अवेलेबल हो जाएंगे, उन डीपी से वो पीवीसी में टोकन बाय कर पाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसे ही आशा करता हूँ सिस्टम से ऐसा ही सिस्टम करें। बाकी दोस्तों आपके मन में क्या रहा है कमेंट में बताइएगा, कमेंट में से बताइएगा दोस्तों आपके मन में क्या है, सिस्टम क्या सही कर रहा है, क्या कर रहा है सिस्टम, और बाकी सिस्टम के हाथ में क्या करना चाहता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पर्लवाइन।